नमस्कार दोस्तों, ऑटो एक्सपर्ट डायरी में आपका स्वागत है। भाई आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी हीरो स्प्लेंडर प्लस में कलर्स कितने मिलते हैं अभी 2023 के एंड में आपको, और इस बाइक में वेरिएंट्स कितने हैं, साथ साथ इस बाइक की सर्विस कॉस्ट क्या है और फ्री सर्विस कितनी मिलती है, क्या सर्विस इंटरवल है और थोड़ा राइड करने का एक्सपीरियंस कैसा है वो भी बता दूंगा क्योंकि मैंने इस बाइक को काफ़ी बार चलाया हुआ है। जानकारी के लिए आपको बता दूं, इस वीडियो से पहले हमने कल ही सेम टॉपिक पर अपनी TVS स्पोर्ट के वीडियो बनाए हैं, सेम सभी स्टेप्स यही वाले फॉलो किए थे। तो अगर आप TVS स्पोर्ट में इंटरेस्टेड हैं आप जाकर चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बाइक है। और स्प्लेंडर से कंपैरिजन तो खैर इस वीडियो के आखिर में करूँगा, लेकिन अगर आपको चेक करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब अपनी हीरो स्प्लेंडर प्लस में आपके पास 16 कलर ऑप्शंस हैं, एक एक करके आपको बताऊंगा और साथ साथ आपको एक पैसे बचाने की स्कीम भी बताऊंगा। आपको अगर अभी भाई शादी का सीजन चल रहा है, अगर आपको बाइक शादी में देनी है या फिर आपको पैसा वसूल बाइक खरीदनी है और स्प्लेंडर पे ही मन अटका हुआ है तो आपके लिए कौन सी बेहतर होगी ये भी बताऊंगा। अपनी हीरो स्प्लेंडर प्लस में आपको 4 तरह के वेरियंट्स मिलते हैं। एक तो यहाँ पे हमारा रहेगा जेड ब्लैक एनालॉग मीटर के साथ, लेकिन दूसरा रहता है जेड ब्लैक डिजिटल मीटर के साथ जिसमें आपको ई रिक्शा जैसा हो येलो कलर का मीटर मिलता है। दो तो ये अपने वेरिएंट हो गए। थर्ड यहाँ पर रहेगा हमारा i3s वाला वेरिएंट, हमारी बिल्कुल नॉर्मल स्प्लेंडर होती है लेकिन वहाँ पे हमें i3s टेक्नोलॉजी मिलती है। और फोर्थ वेरिएंट है जो सबसे सस्ता है, यहाँ पे हमें स्प्लेंडर मिलेगी, सब कुछ मिलेगा लेकिन यहाँ से i3s हटा दिया जाता है और ये इस बाइक का सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है और सबसे सस्ता भी है। अब बात ये करते हैं ऐसे कौन से वेरिएंट्स हैं जिसमें आपको i3s नहीं मिलेगा, यानी कि सबसे सस्ते वेरिएंट कौन से हैं जिसमें आप अपने 1500 से 2000 रुपए i3s को हटवा के बचा सकते हैं। तो भाई सबसे पहला कलर रहेगा यहाँ पे आपका फेरी ब्लू, ये आप देख सकते हैं पुलिस कलर भी बोलते हैं कुछ लोग इसको फेरी ब्लू। दूसरा रहेगा हमारा नॉर्मल ब्लैक सिल्वर, आपके सामने है बिल्कुल नॉर्मल बाइक है, सिल्वर कलर के 18 इंच अलॉय व्हील मिलेंगे, ट्यूबलेस टायर हैं यहाँ पे, स्पोर्ट रेड, बस स्टिकर में फ़र्क आ जाएगा बाकी तो सब कुछ सेम है। एक रहेगा हमारा ब्लू सिल्वर, ये आप देख सकते हैं, ग्रे ग्रीन, ब्लैक पर्पल, ये सब ऐसे कलर्स हैं। इसमें आप चाहे तो i3s ले सकते हैं, आप चाहे तो i3s को हटवा सकते हैं, मतलब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप रखें या ना रखें, चाहे अपने 2000 रुपये i3s के लिए दे दें या फिर अपने 2000 रुपये बचा सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन इसके बाद के जो भी मैं आपको वेरिएंट बताऊंगा उन सब से आप i3s नहीं हटवा सकते, वहाँ पे आपको i3s लेना ही होगा, यानी कि आपको 1500 से 2000 रुपए एक्स्ट्रा देने ही होंगे अगर आप वैल्यू फॉर मनी छोड़कर थोड़ा शौकिया चीज़ों पे ध्यान देते हैं। अब जो सेकंड कैटेगरी है यहाँ पे उसमें थोड़ी क्लासी प्रीमियम बाइक आ जाती है, उनकी बात करते हैं। पहला कलर रहेगा सनशाइन गोल्ड, दूसरा है यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटल रेड, थर्ड कलर रहेगा रूबी रेड, फोर्थ है अपना बम्बल बी येल्लो, फेरी फ्लाई गोल्डन, सिक्स कलर ऑप्शन रहेगा बटरफ्लाई येल्लो। ये 6 ऐसे कलर हैं यहाँ पे आपको स्प्लेंडर तो आपकी जेड ब्लैक वाली होती है, मतलब जैसे आपने देखी होगी आजकल नई वो जो अपनी स्प्लेंडर आई है जेड ब्लैक, बस उसके ऊपर शोरूम वाले स्टिकर्स लगा देते हैं। और अगर आप एनालॉग में बाइक को खरीदेंगे तो भाई यहाँ पे अगर आप एनालॉग वाली पे स्टिकर लगाएंगे तो आपकी ये जो फ्यूल टैंक पे हीरो की बैजिंग है ये आपकी स्टिकर में मिलेगी, लेकिन अगर आप अपनी डिजिटल मीटर वाली पे ये स्टिकर लगवाएंगे तो भाई आपकी फ्यूल टैंक पे जो हीरो की बैजिंग है ये आपको 3D में मिलेगी, क्रोम की मोटी मोटी सी। अब दोस्तों अगर आप अपना मैट गोल्डन या फिर जेड ब्लैक खरीदते हैं तो आपके पास यहाँ पे चॉइस है, आप डिजिटल मीटर लें या फिर सुई वाला एनालॉग मीटर लें, लेकिन i3s यहाँ पे आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसको आप हटवा नहीं सकते। और अगर बात की जाए अपने जो मैंने आपको 4-5 कलर बताए, सनशाइन गोल्डन, अपना फेरी गोल्डन, बटरफ्लाई येलो, इनमें भी आपके पास ऑप्शन नहीं है i3s हटवाने का, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन यही है अपना डिजिटल मीटर ले सकते हैं या फिर एनालॉग मीटर ले सकते हैं, इतना ही हो सकता है, क्योंकि अपनी फुल ब्लैक वाली स्प्लेंडर पे ये कंपनी वाले आपको स्टिकर लगा के देंगे, बाकी यही है इसका फंडा। अब एक नज़र डाल लेते हैं अपनी सर्विस कॉस्ट पे और सर्विस शेड्यूल क्या रहता है। तो भाई अभी कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त ने भी अपनी हीरो स्प्लेंडर ली थी जेड ब्लैक वाली, आपने देखा भी होगा काफ़ी सारी वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड की हुई हैं उस बाइक के ऊपर, ये आप देख सकते हैं। पहली सर्विस यहाँ पे रहेगी 500 से 700 किलोमीटर पे, जिसमें इंजन ऑयल चेंज होता है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता, लेबर चार्ज कंपनी पे करती है और यहाँ पे उसका मतलब जो उसका एक्सपीरियंस रहा उस हिसाब से 560 रुपये का इंजन ऑयल था, मतलब जो हीरो वालों ने उसे दिया। अब आप देख सकते हैं 560 रुपये का इंजन ऑयल, और अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो 860 रुपये का दिखा रहा है भाई फर्स्ट सर्विस के लिए इंजन ऑयल। सेकंड सर्विस हुई थी 3000 किलोमीटर पे, वैसे कंपनी वाले रिकमेंड करते हैं लेकिन उसने 3500 पे कराई थी, तो भाई यहाँ भी उसके 580 रुपये खर्च हुए हैं। बात अगर थर्ड सर्विस की जाए तो थर्ड सर्विस में उसके टोटल लगे हैं 720 रुपये, जिसमें उसने एक ऑयल और डलवाया था इंजन ऑयल के साथ, लेकिन आप देख सकते हैं मतलब हीरो वालों का इंजन ऑयल कितना महंगा है भाई, बिल्कुल लूट मचाई हुई है।
अब भाई अगर आपको नॉर्मल मीटर वाली और डिजिटल मीटर वाली स्प्लेंडर का कंपैरिजन देखना है तो वो मैंने चैनल पे पहले ही अपलोड कर दिया, आई बटन में लिंक आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ों को समझाया है शोरूम पे जाकर दोनों बाइक्स को साथ खड़ा करके, आप उस वीडियो को विजिट करें। लेकिन अब बात करते हैं इन दोनों बाइक्स में से, मतलब अपनी स्प्लेंडर अगर खरीदनी है एक्सटेक वाली या फिर नॉर्मल वाली, तो कौन सी बाइक खरीदें और बाइक में क्या खूबियाँ हैं क्या कमियाँ हैं उसकी बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रिसेल वैल्यू से। अगर आपको चाहिए रीसेल वैल्यू अच्छी, मतलब आप चाहते हैं अपनी स्प्लेंडर को 5 से 6 साल रखने के बाद बेचना, मतलब ज़्यादा लंबा प्लान नहीं है या फिर ज़्यादा लंबा है उसके बाद भी मन में लालच है, तो भाई स्प्लेंडर काफ़ी बेहतर हो सकती है क्योंकि इसकी रीसेल वैल्यू काफ़ी तगड़ी है, लास्ट में भी आपको कम से कम 35 से 40 हज़ार रुपये दे के चली जाएगी। लेकिन बात अगर की जाए वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट की, तो भाई मार्केट में इससे बेहतर ऑप्शन है इस प्राइस पॉइंट में। लगभग टॉप वेरिएंट इस बाइक का 95 हज़ार रुपये का हो चुका है। एक बार प्राइस की बात कर लेते हैं, अगर आप बिना i3s वाली बाइक खरीदते हैं अभी दीपावली के सीजन में, तो ये आपको मिल जाएगी 90 हज़ार रुपये की ऑन रोड, इंडिया की किसी भी सिटी में 1-2 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अगर आप i3s वाली खरीदते हैं, वो कलर तो मैंने आपको पहले समझाई दिए, तो ये बाइक आपको मिलेगी 91,500 से 92,000 रुपये, यानी कि 92,000 रुपये तक की मिल जाएगी ऑन रोड इंडिया की किसी भी सिटी में। जेड ब्लैक या फिर अगर आप मैट गोल्डन खरीदते हैं, तो इस बाइक के लिए आपको 94,000 से 95,000 रुपये देने होंगे विद डॉक्यूमेंट्स। अब मुझे समझ नहीं आता स्प्लेंडर के लिए 95,000 रुपये कौन ही देगा, और ऐसा भी कुछ खास नहीं है कि हीरो वाले इस बाइक को अगर महंगी दे रहे हैं, तो इस बाइक पे 1,00,000 किलोमीटर तक की वारंटी हो, अपनी TVS स्पोर्ट ले लो या फिर अपनी होंडा की बाइक ले लो, उन पे भी आपको 60,000 किलोमीटर और अपनी होंडा वाली बाइक पे हमें 3 साल या फिर 60,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, लेकिन अपनी TVS स्पोर्ट रेडोन और स्टार सिटी पे हमें 5 साल या फिर 60,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। और सेम अपनी स्प्लेंडर HF डिलक्स पे हीरो वाले दे रहे हैं 60,000 किलोमीटर या फिर 5 साल की वारंटी, मतलब वारंटी गारंटी भी कोई एक्सटेंड नहीं है। उसको अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको पैसे देने होंगे, बाकी कंपनी से इतनी मिलेगी जितनी अदर ब्रांड्स देते हैं, और उसके बाद भी। अब एक बार बात कर लेते हैं बाइक चलने में कैसी है, तो भाई बाइक चलने में काफ़ी ठीक ठाक है, मतलब अगर आप इस बाइक को सेकंड या फिर थर्ड गियर में भी उठाते हैं लगभग 10 की स्पीड से, तो आराम से उठ जाती है, इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। हॉरिजॉन्टल इंजन है यहाँ पे, आपको पिकअप तो बाइक में अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ इतना है अगर आप बाइक को 20 की स्पीड पे चलाएं या फिर 40 की पे चलाएं, 60 की पे, 80 की पे, आपको बाइक बिल्कुल एक ही स्पीड में चलती नज़र आएगी, मतलब ऐसा नहीं लगेगा बाइक अब थोड़ा बाइक को स्ट्रगल करना पड़ रहा है या फिर ऐसा कुछ है। हाँ वो बात अलग है, पिकअप बिल्कुल नहीं मिलेगा, आप कितना भी तेज थ्रॉटल दे दीजिए झटका महसूस नहीं होने वाला, बाइक अपने आराम आराम से उठती है। लगभग यहाँ पे आपको 8,000 RPM पे जाके पूरा पिकअप मिलता है, और टॉर्क की अगर बात की जाए तो 6,500 RPM पे जाके मिलता है, तो इसलिए पावर बाइक में नॉर्मल व्यक्तियों वाली है, मतलब अगर आप थोड़ा पिकअप के शौकीन है तो उसके लिए आपको होंडा या फिर TVS पे जाना चाहिए, वो बेहतर है इससे। लेकिन अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों को बिठाकर बाइक चलानी होती है या फिर आपको काफ़ी ज़्यादा वेट चाहिए, तो भाई ये बाइक आपके लिए काफ़ी बेहतर हो सकती है, क्योंकि जिन बाइक्स में आपको पिकअप पहले मिल जाता है अपनी ओयर स्क्वायर वाली इंजन में, वहाँ पे आपको बाद में फिर बाइक को स्ट्रगल करना पड़ता है हायर RPM पे, लेकिन स्प्लेंडर के साथ ऐसा नहीं है, ये इस बाइक की काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे ये बाइक जब 60 से 80 के बीच में भी चलती है तो वहाँ पे भी मतलब आराम से कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती, इस बाइक को ठीक ठाक स्पीड में अपनी चलती है, तो अगर आपको 3-4 लोगों के साथ बाइक चलानी है तो काफ़ी बेहतर हो सकती है। और अगर आप इस बाइक पर बैठते हैं, मतलब किसी और बाइक को चलाने के बाद अपनी बुलेट हो गई या फिर किसी हायर CC सेगमेंट की बाइक के बाद अगर आप स्प्लेंडर पर बैठेंगे, मैं HF डिलक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका फ्यूल टैंक काफ़ी ठीक ठाक है, लेकिन अगर आप स्प्लेंडर पर बैठते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है भाई जैसे एक फट्टे पर बैठ के या फिर साइकिल पर बैठ के हम जा रहे हों। HF डिलक्स इस मामले में बेहतर है, उसका जो फ्यूल टैंक है वो आपके दोनों लेग्स को चिपका लेता है। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और टेक्स्ट पर डायरी को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी सलाह ली जाए तो यहाँ पे सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट अपना वही रहेगा जिसमें आपको i3s नहीं मिलता, सबसे कम पैसों में आ जाएगा और सबसे बेहतर बाइक है, मतलब है तो स्प्लेंडर ही, i3s की इतनी मुझे नहीं लगता किसी को नीड पड़ती भी होगी, i3s इतना वैल्यू वाला फीचर है भी नहीं। और अगर बात की जाए स्प्लेंडर लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो भाई ये आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, मेरे हिसाब से तो मार्केट में इतने प्राइस पॉइंट में इससे बेहतर कई सारे ऑप्शन हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए स्प्लेंडर ही तो बाइक में ऐसी भी कोई कमी नहीं है, फिर ले लेनी चाहिए, काफ़ी अच्छी बाइक है।